छोटा छोटा ले आगे जाता नहीं है। हाँ पक्का। हफ्ते हम 20 एनजीओस को और बुलाएंगे, गरीब लड़कियों को पैसा देंगे, जो भी हमको प्रॉफिट अभी ओवरसीज बाकी है, म्यूजिक बाकी है, वो उसमें से 20% काफी अमाउंट है हमारे प्रोड्यूसर जी उसमें से एनजीओस को देंगे, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बड़ी ताली ताली शुक्रिया। 19 तारीख को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। कांग्रेस मैडम ने बोला है कि 19 तारीख को हम चाहते हैं कि लेडीज के लिए स्पेशल शो किया जाए। 100% हमारी एनजीओ 100% जी एनजीओ का कहना है कि इंदिरा गांधी जी का जन्म, जो महान हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्मदिन 19 को है, 19 को हम 20 और एनजीओ को बुलाएंगे, यही बुलाएंगे, और उनको जितनी मदद हमारे प्रोड्यूसर जी दे सकते हैं देंगे, अवश्य देंगे, और इसके बाद और बड़ी फिल्म बनाएंगे। अब हिम्मत आई है इनमें, तो इनका एक ही मकसद है कि दिल्ली के प्रोड्यूसर बोले, मैं दिल्ली का हूँ, मुझे दिल्ली कुछ पैसा वापस लेके नहीं जाना है, मैं पैसा लगाता रहूँ, जितना पैसा लगाया है उतना आ जाए बहुत है, उतना नहीं भी आए फिर भी मैं एनजीओ का मदद करूँगा, इसलिए नीयत अच्छी है, बिल भी छोटी सी चली है, और आज हमने केक काटा है। थैंक यू जी, आप क्या कहेंगे जी? आप कुछ बोल दीजिए। अभी ये सब केक आपको खा के जाना है, कोई भी मीडिया का यहाँ से केक के बिना नहीं जाएगा, मुझे मालूम है, काम हो जाए तो भाग जाते हैं, यहाँ कोई नहीं भागेगा, खा के जाएंगे, सैंडविचेस और है, और चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, ये सब नहीं। हमारी जो फूड है बहुत अच्छा बिजनेस किया है, हमारी फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, मेरे पास डेली डीसीआर रिपोर्ट आ रही है, 89% पब्लिक खोलों में भरी हुई है और बड़ी इसको लाइक कर रही है, और मेरा भी हौसला बढ़ता जा रहा है इसी को, इन चीजों को देखते हुए, क्योंकि ये मैंने जो सब्जेक्ट लिया था वो अपनी आर्थिक रूप से जो कमजोर बहनों के लिए, शिक्षा के लिए, परवरिश के लिए जो मैंने वादा किया था वो मैं अभी कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि अभी पहली टाइम कर रहा हूँ, फिल्म से पहले भी मैं ऐसा करता आया हूँ, तो अभी जो है 19 तारीख को जैसा कि हमारी इंदिरा जी का जन्मदिन, उस दिन मैं जो है कम से कम 20 एनजीओ और बुला के यहीं इसी जगह पे उनको भी जो है डोनेट कर रहा हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये फिल्म की जैसे कुछ टीजर आ रहे थे और लोगों को ये लगा कि ये कुछ ऑफबीट फिल्म है, सेक्स के ऊपर है या कुछ है, इसलिए मैंने अपने प्रोड्यूसर से दरख्वास्त की कि अभी बॉम्बे में जितनी पब्लिसिटी करो, बैनर्स लगा, उसमें ऐसा कुछ लोगों को नहीं लगे, और फैमिली वाले देखें ऐसा ही हुआ, इन्होंने बैनर लगा दिया, सोलो मेरा, चलो अच्छा है,
सोलो लगाया, जनता का ज़्यादा आना शुरू हो गया और लोगों को ये फिल्म आज मीडिया ने देखी और सबने देखी, ये थिएटर और बढ़ा रहे हैं, यानी कि थिएटर तभी इंसान बढ़ाता है जब फिल्म के अंदर चार पैसे मिलते हैं। तो अच्छा है, उनको हिम्मत मिली है, अब अच्छी और फिल्म बनाएंगे। दिल्ली के नए प्रोड्यूसर, पहले एक फिल्म बनाई इन्होंने किनके साथ बनाई थी, सुखविंदर जी, सुखविंदर जी को हीरो लेके बनाया था, लेकिन इनको उस टाइम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन अब इस फिल्म में इनको एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है, चार पैसे मिले हैं। इनका कहना है कि मैं एक रुपया भी दिल्ली प्रॉपर में नहीं लेके जाऊंगा, जो भी ऊपर का मिलता है NGO, गरीब लड़कियाँ हैं, उनकी परवरिश, जिनके माता पिता नहीं है, जो बीमार है, हॉस्पिटल, इन सब को ये 20 एनजीओ को और बुला के सबको चेक करें। सर, इसके अलावा नंबर्स में कितना बिलीव करते हैं और अगर उस बारे में कुछ बताएं कि 5 करोड़ अराउंड। सर देखिए, अगर जो फिल्म 70-75 या 1 करोड़ में बनी हो, आज तक वो 5 करोड़ का बिजनेस कर जाए तो बहुत बड़ी हिट है। मैंने कितनी फिल्में ऐसी देखी है जो इसके साथ 5 फिल्में रिलीज हुई हैं। सर, मैं सबको दिल से बोलता हूँ कि सब हिट होनी चाहिए, लेकिन इस फिल्म में, एक छोटी सी फिल्म में 4 फिल्मों को उनसे ज़्यादा कलेक्शन, बाजार के नेक टू नेक थोड़ा बाजार को हिट है, बहुत अच्छा है। मैं सैफ अली खान के लिए बहुत बहुत खुश हूँ, एक अच्छा कलाकार है, अच्छा काम किया है, लेकिन ये छोटी सी फिल्म उनके साथ चल रही है, बहुत खुशी होती है। सर, अभी इनका ओवरसीज बाकी है, म्यूजिक बेचना है, TV राइट्स है, सैटेलाइट, ये सब है, उसमें से बहुत पैसा मिलेगा। सर अभी ये सब चलेगा, TV पे सब, TV सैटेलाइट वाले आने वाले, म्यूजिक वाले आने वाले, उसमें भी इनको मिलेगा 5-7-8 करोड़ तो कहीं नहीं गया। और पिक्चर अभी इन्होंने थिएटरों में बढ़ाई, तो मतलब बड़ा इंसान का बढ़ाता है जब 4 पैसे मिलते, नहीं तो पल्ले से देना पड़ता है, तो मतलब हिम्मत है। छोटी सी फिल्म ठीक ठाक चल रही है, बस इनकी नियत अच्छी है, फोन करें बस। सर, बिजनेस के अलावा जिस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है NGOs को, जैसे आपने बताया कि नहीं, आप सामने, आपके NGOs है वो सामने है, NGOs की एक लेडी इधर आ जाएंगी तो अच्छा है, NGO की कोई भी है, आइए 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 आइए, तो कांग्रेस से है, हाँ जहाँ से भी है, अरे जिनको चेक दिया है वो भी आ जाए ना, आप आइए, आप भी आइए। अभी ये देखिए, ये हमारे NGO वाले हैं, मैंने इनसे वादा किया है कि मैं जब बाहर गाँव से वापस आऊँगा, सबसे पहले मैं इनके स्कूल में जाऊँगा, इनके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं और फाइनेंशियली इनको अगर कोई हेल्प करता है तो उससे कितना फ़ायदा होता है, ये खुद बताएंगे। हाय एवरीबॉडी, वी आर फ्रॉम प्रयास, वी आर एसोसिएटेड विद प्रयास। हमारे यहाँ करीब 450 बच्चे रोज़ पढ़ने आते हैं रोज़ समय, और हम उन्हें मुफ्त शिक्षा देते हैं, प्लस दोनों टाइम का खाना उनको देते हैं, जिसमें से मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि 250 से ज़्यादा सिर्फ गर्ल्स हैं। सो वी आर रियली फीलिंग प्राउड कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प द गर्ल्स टू गेट द एजुकेशन एंड कम अप इन लाइफ, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू सर फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड गिविंग द डोनेशंस टू द NGOs विच विल हेल्प द गर्ल्स स्टूडेंट स्पेशली टू कम अप इन लाइफ। सर, काफ़ी इमोशनल मोमेंट है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मेरी जो इच्छा थी वो द जर्नी ऑफ कर्मा, हमारी ये फिल्म है, उसने उस इच्छा के अंदर कुछ और इंक्रीज किया है, और मेरा हौसला इतना और ज़्यादा बढ़ा है कि मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे पहले हमने फिल्म आप देखो तो उसमें लिखा था भी 10% हम जो है अपनी जो आर्थिक रूप से मदद करेंगे बहनों की, हमारी बेटियों की, अब मेरा हौसला इतना बढ़ा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई 10 नहीं, मेरे को ये पैसा दे के तो जाना नहीं है कहीं पे, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि 20% अब जो है उनकी और इससे बढ़ा दें, हौसला इतना बढ़ा दें। तो शक्ति जी का चेक बढ़ेगा कि नहीं इस बार? नहीं, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। शक्ति, अच्छा शक्ति जी ने क्या है, आप यकीन मानिए जितना सहयोग इस फिल्म के अंदर शक्ति जी ने इस सब्जेक्ट को देखते हुए किया है कि भाई ये सब्जेक्ट जो है हमारी आर्थिक रूप से कमजोर बहनों के लिए है, पैसा कमाया है और हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जब पिक्चर लगे तो इसका पैसा सही लोगों को जाना चाहिए, आज वही हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमें एक ऐसा दिल्ली के प्रोड्यूसर मिले हैं
एनजीओज की मदद कर रहे हैं, लड़कियों की मदद कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। और एक चीज मैं और बोल रहा हूँ, अंदर जगवीर दहिया के नाम से कोई भी कहीं भी पता करेगा आपको हरा नहीं बता देगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सोशल, वहाँ पे ज्यादा सोशल एक्टिविटी मैं करता रहता हूँ, तो कोई भी, और मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। सर और एक बात ये है, ये चेक की अमाउंट आपको छोटी छोटी लग रही है, लेकिन ऐसे 19 और चेक बने हुए हैं जो 19 एनजीओ को जा रहे हैं। क्या है कि एक ही चेक बड़ा देने से कुछ फायदा नहीं है, ऐसा ऐसा काम शुरू किया है तो सब एनजीओ को जा रहे हैं, 19 और एनजीओ हैं सर। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से हर स्टेट वाइज, मैं सोच रहा हूँ स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो शिक्षा के अंदर गरीब लड़कियों की मदद करते हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई स्लो 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 में जो पैसा है हर जगह बांटो। मैं तो मुबारकबाद दूंगा, हमारे दिल्ली के प्रोड्यूसर हैं, और हमेशा मेरी एक ही कहना है कि जब इस इंडस्ट्री में नया प्रोड्यूसर आता है, हमारे जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर हैं, हमारे हिमांशु भाई ने बहुत साथ दिया है, लेकिन ऐसे न्यू कमर प्रोड्यूसर को हमें सबको हेल्प करना चाहिए। हर प्रोड्यूसर का कहना है कि जब हम नए नए आते हैं इस इंडस्ट्री में, हमसे थोड़ा बहुत धोखा भी हो जाता है, हमारा पैसा काफ़ी वेस्ट हो जाता है जिसका हमें नॉलेज नहीं है। तो मैंने बोला कभी कभी ये इसको बोलते हैं हमारे इंडस्ट्री में एडमिशन का थोड़ा सा देना पड़ता है, लेकिन ये हवाई जहाज चला जाए, लेकिन हमें नए प्रोड्यूसर को इस इंडस्ट्री में वी शुड हेल्प देम आउट, बी वेरी जेन्युइन टू देम। मेरी यही एक प्रार्थना है कि इंडस्ट्री के जितने टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूज़िक है, इन सबको न्यू प्रोड्यूसर्स को हेल्प करना चाहिए। एंड अक्सर हम देखते हैं कि जब प्रोड्यूसर पहली फिल्म बनाने आता है, कई बार बहुत नाराज़ होकर वापस चला जाता है कि मेरे साथ थोड़ा सा कुछ धोखा हुआ है। मैंने इनका कहा नहीं, अभी देखिए आपने एक पहली फिल्म बनाई थी उसमें शायद आपके साथ कुछ धोखा हुआ होगा, लेकिन आपने हिम्मत करके ये दूसरी फिल्म बनाई है जहाँ आपको चारों तरफ से प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी मेहनत काम आ रही है, आपने बहुत छोटे बजट में फिल्म बनाई है, लेकिन अपने चाहत से फिल्म बनाई है, आपने इसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है, और जैसा कि इन्होंने बोला था कि मुझे जो भी प्रॉफिट होगा मैं एनजीओ में पूरा प्रॉफिट आई विल कॉन्ट्रीब्यूट, तो आज मुझे मालूम नहीं कितने ये चेक दे रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म को इनको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में से इन्होंने बोला था 10% देंगे, आज बोल रहे हैं नहीं मैं 20% एनजीओ को दूंगा जो मेरी फिल्म का आज तक फ़ायदा हुआ है और अभी चली रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक नया प्रोड्यूसर है जो इस सोच के साथ इस इंडस्ट्री में आया है कि मैं उन लड़कियों की, उन औरतों की, गरीब औरतों की बहुत मदद करूंगा, उनका साथ दूंगा, और आज सब ये एनजीओ वाले फिल्म देख रहे हैं सनी थिएटर में, और मेरे हिसाब से पिक्चर देखने के बाद ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग गिविंग लॉट ऑफ मनी टू पीपल हु आर वेरी नीडी। तो आप भी कुछ बताइए सर। मेरा मेन मकसद ये जो पिक्चर बनाने का था, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां हैं या परिवार हैं जो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनको जो है साधन नहीं होते, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं सबसे आगे बढ़ के आऊं, और जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई भी परिवार हिंदुस्तान में कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से मेरे को पता लगे कि भाई ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, एनजीओ को तो मैं दे ही रहा हूँ, बाकी मैं पर्सनल जाके भी वहाँ खड़ा होकर उनकी मदद करूँगा, सिर्फ मेरे को पता लगना चाहिए बस। ये बहुत बड़ी बात है सर, आज की सोच एक नए प्रोड्यूसर की फर्स्ट टाइम सक्सेस भी देख रहे हैं, और इनको अच्छा भी लग रहा है कि कुछ जेन्युइन लोग मिले हैं, और मैं आज सब काम धाम छोड़ के इसलिए इनके साथ हूँ क्योंकि एक कॉज है, एक रीज़न है, और उस रीज़न के लिए ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ये काम देखकर और भी प्रोड्यूसर, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है इसी में हमारे चेक जा रहे हैं।
तो मैं वही बोल रहा था कि ये चीज़ देख के शायद और भी प्रोड्यूसर इस चीज़ में बोलेंगे कि हम भी अपनी फिल्म का कुछ प्रॉफिट एक ज़रूरतमंद लोगों को देंगे। आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग थॉट। और जैसे कि फिल्म का नाम जो अभी हमने लिया नहीं, जर्नी ऑफ कर्मा, एक बड़े ही छोटे वक्त में बनी, बड़ी ही कम शूटिंग के दिनों में बनी, एक बजट में बनी, और इन लोगों ने, हमारे प्रोड्यूसर ने और सब लोगों ने, यूनिट वालों ने फ्राइडे सैटरडे में ही पूरी पिक्चर का कवर कर लिया। हालांकि ये बहुत बड़ी फिल्म नहीं है कि 150 करोड़ का धंधा करे या 100 करोड़ का बिजनेस करे, लेकिन अगर ऐसे ही अच्छी फिल्में बनती रहेंगी तो वो दिन भी दूर नहीं। तो ये जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, मेरी बेटी की फिल्म स्त्री आई, वो भी 10-12 करोड़ में बनी थी, वो 150 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर गई। ऐसे इनकी फिल्म बहुत कम बजट में बनी है और ये ऑलरेडी अपना बजट जितना खर्चा किया था रिकवर करके उसके ऊपर जो कमा रहे हैं उसमें से 20% ज़रूरतमंद लोगों को दे रहे हैं। बहुत बड़ी थॉट है। अभी ओवरसीज़ है, यह हर जगह ओवरसीज़ की भी बहुत डिमांड है। आई थिंक ओवरसीज़ भी इनकी अच्छी प्राइस में बिकेगी। टेलीविजन है, म्यूज़िक है, आई थिंक लॉट ऑफ चैनल्स आर स्टिल ओपन फॉर हिम एंड आई थिंक इज गोन मेक गुड मनी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और इनका कहना है कि मैं अगली फिल्म बहुत अच्छी बनाने वाला हूँ, ऐसी फिल्म बनाऊँगा जिसमें एक सबक होगा, एक मैसेज होगा, एंड आई वॉन्ट टू मेक अ वेरी पॉजिटिव फिल्म। इन लोगों को कुछ लगा कि इस फिल्म के अंदर कुछ सेक्स होगा, ये होगा, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है उन लोगों का कहना है कि इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट फॉर द लेडीज़, वुमेन्स को ऊपर बढ़ाने का ये सब्जेक्ट है। हाँ, वो टीज़र में कुछ ऐसा लगा कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन फिर लोगों ने फिल्म देखने लगे तो दोबारा देखने लगे कि फिल्म के अंदर मैसेज भी है और अच्छी फिल्म है। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप सर? सर मैं ये कह, इनका बेटा भी डेब्यू किया इस फिल्म में, एक बड़ा बेहतरीन गाना किया है। ये अपने बेटे को टेस्ट कर रहे थे, ये नहीं कि इनका बेटा है इसलिए मैं उनके लिए फिल्म बनाऊं। बेटे को बोले देख एक गाना ही दूंगा इस फिल्म के अंदर, अगर वो गाना लोगों को अच्छा लगा और तुमने और मेहनत की तो मैं तुम्हारे साथ फिल्म अगली बनाऊंगा बड़ी स्टार कास्ट के साथ। तो उनका गाना बहुत हिट हो गया है, बेटे का डांस भी अप्रिशिएट हुआ है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ एक पिता को कि उन्होंने ये नहीं कि अंधाधुन सिर्फ बेटे पे खर्चा करके फिल्म बनाई, उनको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी एक गाना दिया है और गाना चल गया। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हमारी भी औलाद, हम सब चाहते हैं कि औलाद आगे बढ़े, वैसे एक पिता भी चाहता है कि उनकी औलाद आगे बढ़े। तो मेरी हार्दिक और एक शुभकामनाएँ हैं इनके और इनके परिवार के लिए कि आप अच्छे नीयत से आए हैं। जैसा मेरा कहना है कि भगवद गीता कहती है कि नीयत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो घर में ही मथुरा काशी है, घर में ही मथुरा काशी है, वो इनका कहना है। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के अंदर जो सबसे बड़ा, बड़े भाई की तरह मेरी जो मदद या जो मेरे को हौसला जो दिया है वो शक्ति कपूर जी ने दिया है सर। और मैं जो है इन्हीं के मतलब आशीर्वाद लगा लो, मेरे से बड़े हैं तो बहुत साथ दिया, और इनकी मदद की वजह से ये फिल्म मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। जो तो हाँ। आने वाली मेरी बहन बेटी आया जिनके लिए मैं इतना हौसला मेरे को आया है, इतनी मेरे को प्रॉफिट आया है, लगभग आज 5 करोड़ के आसपास इसकी कलेक्शन हो चुकी है, जो कि बहुत छोटे बजट की फिल्म थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान ने अगर ये मेरे को दिया है तो हो सकता है वो मेरी बहन बेटियाँ जिनके लिए मैं कुछ सोच रहा था करने के लिए, शायद इसीलिए ये फिल्म जो है हिट हुई है, बहुत सुपर डुपर हिट है मेरे हिसाब से। हाँ, इनके हिसाब से इसलिए भी हिट है, 5 करोड़ आज है टोटल समा ओवरसीज़ वगैरह होने के बाद एक अच्छी अमाउंट इनको मिलेगी, और ये आज ही 20% ऑफ प्रॉफिट ही इज़ गिविंग टू एनजीओस जो ऊपर पिक्चर देखे। बहुत बड़ी बात है सर, आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि नीयत इनकी बहुत अच्छी है और भगवान ऐसे लोगों को हमारी इंडस्ट्री में लाए, लेके आए, नेक्स्ट अच्छी फिल्म बनाए। और मेरी तरफ से ओपन आर्म्स है सर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर। हम देखिए मीडिया भी आपके साथ है, मीडिया ने बहुत साथ दिया सर, तो बस ये मैं मुबारकबाद देता हूँ एंड मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड मैं सोचता हूँ कि ये सारा जो हम लोग बोल रहे हैं ये टीवी पे आना चाहिए, और नहीं आया तो समझते हैं ना नंदू हमका मनू। हाँ जी, थैंक यू। और कुछ सर? थैंक यू सर। दिवाली की शुभ शुभकामनाएँ सबको और मेरे परिवार की तरफ से सबको। और दिवाली के मैं एक्चुअली कल सुबह न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, एक जगह मैं चीफ गेस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि दिवाली 7 की है मैं गिरता पड़ता 7 की सुबह घर पहुँचूँगा और शाम को हम लोग पूजा पाठ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर परिवार को सुखी रखे, हर परिवार के चेहरे पर मुस्कान रखे,
हर परिवार के घर को मिठाइयों से भरे, उनके बच्चों को आगे बढ़ाएं और सबके चेहरे में मुस्कुराहट हो। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, गॉड ब्लेस। और दिवाली में मुंह मीठा ज़रूर करना, ज़्यादा पटाखे धुएँ वाले मत चलाना, अच्छे पटाखे चलाना। और बच्चों क्यों, पटाखों से कई बच्चों को भी काफ़ी चोटें पहुँचती हैं, लेकिन आजकल सब अच्छे सोच वाले हैं तो ऐसे पटाखे खरीदते भी नहीं हैं और धुआं पोल्यूशन से बचते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मेरे को भी याद आ गई, इस फिल्म के अंदर ये जो गाना है जो मेरे बेटे ने कैमियो किया है, इसके जो वर्डिंग है गाने के, वो हम सबको, पूरे समाज को या कोई भी हर इंसान को मोटिवेट करते हैं। जैसे ओ रे परिंदे तू जीना मत भूल रे, कभी धूप कभी छाओ, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जो ऊंच नीच हमेशा होती रहती है, तो कभी आदमी को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमेशा हौसले के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो ये गाना सुखविंदर जी ने गाया था और शिवेंद्र दिया बेटे ने जो है इसको एक्ट किया था, तो बहुत अच्छा गाना है। और इस गाने के अंदर यूँ मान लो कि इस फिल्म की पूरी स्टोरी है। हाँ, और ये पहली फिल्म इन्होंने सुखविंदर जी को हीरो लेके बनाई थी जी, और ये अभी दूसरी फिल्म भी इन्होंने हिम्मत करके थोड़ा सा ऑफबीट सब्जेक्ट बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है सर। आप अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बम्बई वाले, हम इंडस्ट्री वाले हमेशा आपके साथ हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये मैंने अभी देखा भी है, महसूस भी किया है। और खासकर मैं तो अपने बड़े भाई भीष्म पितामह शक्ति जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर टाइम मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर टाइम मेरे को मदद की है। मतलब मैं बहुत बड़ा एहसान मंद हूँ, इनका एहसान में उतार। नहीं सर, हम ज़्यादा क्या लायक हैं सर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हमारी तो सिर्फ यही है कि आपके जैसे न्यू कमर आए, न्यू प्रोड्यूसर्स आए, जितना हम छोटे लोग आपके लिए कर सकते हैं अवश्य करेंगे सर। नहीं देखो, पिक्चरों के अंदर शक्ति जी की जो इमेज है वो रोल के अनुसार जो करेक्टर होता है देखो करते हैं, लेकिन आज मैं पर्सनली पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ और पूरा हिंदुस्तान साझा देख भी रहा होगा, शक्ति कपूर जी से अच्छे दिल के इंसान मैंने इस इंडस्ट्री में नहीं देखे हैं। थैंक यू। ये लोगों को मतलब मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में मेरे लिए भगवान के। अरे नहीं नहीं सर, हम तो मैं इससे बड़ी बात और क्या बोल सकता हूँ। आप सुन रही हो धर्मपत्नी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, जनता क्या सोचती है, थोड़ा अच्छा सोचो मेरी जान, बेसिकली अच्छा आदमी हो। नहीं जी नहीं, बहुत बहुत अच्छा। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।